हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। ऑल इज हियर बाय प्रिया। टुडे वी विल सी हाउ टू मेक अ स्पाइसी एंड टेस्टी पास्ता रेसिपी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पास्ता बनाने के लिए 250 ग्राम मैंने पास्ता लिया हुआ है और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पानी एक कढ़ाई में उबलने के लिए रख दिया था। पानी हमारा खौल गया है तो इसमें हम पास्ता ऐड कर देंगे और इसे चलाते हुए पका लेंगे। जब भी आप इसे पकाएं तो मोटी तली की कढ़ाई में पकाएं या भगोने में, जिससे कि ये चिपकेगा नहीं तली में। और यहाँ पर देखिए, पास्ता हमारा धीरे धीरे से सॉफ्ट होने लगा है। तो चलिए इसे मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया हुआ है जिसे कट कर लिया है स्लाइस में। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है 5 से 6, जीरा लिया है, 2 मैगी मसाला और 1 मीडियम साइज की प्याज ली है जिसे बारीक मैंने कट कर लिया है। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि पास्ता हमारा सॉफ्ट। वाओ, तो पास्ता हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर चलिए हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे एक इस तरह की टोकरी में पानी निकाल कर, देखिए निकाल लिया है मैंने, और कितना बढ़िया हमारा खिला खिला पास्ता अलग अलग तैयार हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई रख दिए हैं जो कि नॉन स्टिक है, और यहाँ पर हम मस्टर्ड ऑयल इसमें ऐड करते हैं। तेल यहाँ पर हमारा गर्म हो गया है, इसमें 1 स्पून हम जीरा ऐड करेंगे और जीरा हमारा यहाँ पर चटक गया है। तो चलिए इसमें हम कटी हुई स्लाइस की ये जो प्याज है, इस प्याज को ऐड कर लेंगे और इसी के साथ हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, और हरी मिर्च की जगह पर आप लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब इन्हें हम चलाते हुए हल्का गोल्डन होने तक के भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसे मैं लगातार भून रही हूँ ताकि ये अच्छे से भून जाए। तो यहाँ पर देखिए भून गया है। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी इन प्याज के साथ अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे ताकि मसालों में कच्चेपन की महक ना आए। अब यहाँ पर स्लाइस में कटे हुए टमाटर जो हमने चॉप्ड किए थे, इसे हम ऐड करेंगे और इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर हम इसमें उबले हुए पास्ता को ऐड कर देते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर देते हैं। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 स्पून सोया सॉस और इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीजें अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। और यहाँ पर मैंने मैगी मसाला लिया है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा ड्राई होने तक के फ्राई करेंगे जिससे ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट में ये काफी अच्छा ड्राई हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये ड्राई हो गया है, तो गैस का चलिए फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे सर्विंग प्लेट में सर्व करते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे धनिया से गार्निश कर इस तरह से सर्व किया है। आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल अपने मनपसंद ऐड कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर, ये सारी वेजिटेबल आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ओनली टमाटो यूज किया है और प्याज को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पास्ता की पसंद आई है तो आप भी फटाफट से अपने घर पर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल का ऑप्शन है, उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, इजी और न्यू रेसिपी के लिए मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर से जरूर शेयर करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।